12वीं फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसे फिल्मों में काम करने वाले विक्रांत मैसी ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से हलचल मचा दी है। एक्टर ने अचानक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का ऐलान किया। विक्रांत का कहना है कि वो अब एक अच्छा पति, पिता और बेटा बनने पर फोकस करेंगे। विक्रांत मैसी उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग, लगन और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में नाम बनाया है। विक्रांत ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में तगड़ी छाप छोड़ी है। आज वो इंडस्ट्री के टैलेंटेड स्टार्स में गिने जाते हैं। लेकिन अब करियर के पीक पर विक्रांत मैसी ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस को हैरान कर दिया। एक्टर ने अचानक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने का ऐलान किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? विक्रांत का कहना है कि वो अब एक अच्छा पिता, पति और बेटा बनने पर फोकस करेंगे। एक्टर ने कहा कि 2025 में वो आखिरी बार मिलेंगे। विक्रांत ने अपनी पोस्ट में लिखा, हेलो, पिछले कुछ साल काफ़ी अच्छे रहे। आपको शानदार सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे एहसास हो गया कि अब समय आ गया है कि मैं अपने आप को संभालूँ और घर वापस लौट जाऊँ, एक पति, पिता और बेटे के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर भी। विक्रांत ने आगे ये भी लिखा है कि आने वाले 2025 में हम लोग एक दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे। जब तक समय सही ना हो, आखिरी दो फिल्में और कई सालों की याद, हर चीज़ के लिए और बीच में जो कुछ भी हो उसके लिए आप सभी का फिर से शुक्रिया। मैं उसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। विक्रांत मैसी के रिटायरमेंट पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी। कई लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री से दूरी ना बनाए। एक यूज़र ने लिखा, कह दो कि ये सच नहीं है। दूसरे ने लिखा, ऐसा मत करो, आप करियर के पीक पर रहो, ऐसा ना करो। वहीं कई लोग उनके इस फैसले पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। विक्रांत मैसी ने करियर की बात करें तो उन्होंने छोटे पर्दे से अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने टीवी पर धर्मवीर, बालिका वधू, कबूल है जैसे कई शोज में काम किया। टीवी पर उन्होंने खूब नाम कमाया और फैंस का दिल भी जीता। छोटे पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। विक्रांत साल 2013 में फिल्म लुटेरा में दिखे। इसके बाद उन्होंने दिल धड़कने दो, छपाक जैसी कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। विक्रांत ने फिर कामयाबी की ऐसी सीढ़ी चढ़ी कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्म में करते चले गए और फैंस का दिल जीतते चले गए। विक्रांत ने कई फिल्में की लेकिन 12वीं फेल फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी और इस फिल्म में विक्रांत ने आईपीएल यानी कि आईपीएस मनोज कुमार की कहानी को जिस सादगी से और सच्चाई से पेश किया और अपना किरदार निभाया, उसने हर एक इंसान का दिल जीत लिया। फिल्म में विक्रांत ने काम की, काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ हुई और उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। विक्रांत ने हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ बटोरी। देश की सबसे विवादित घटनाओं में से एक गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म की तारीफ राजनीतिक गलियारों में खूब हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फिल्म की काफ़ी तारीफ की। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम लेडीज खबरों को जाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।